I'm the baddest, the greatest. Why gotta be too fabricated? Crank the volume up when this track is very, very thousand latest. I'm ruthless like Pablo Escobar. Teri bebe mujhe dekhe bole. Astafar. Tati chad di javani. Kar meri man mani. Agar loven baase lagi hai, tu kithe na se jani. One look at you and I can say, ho gaya pyar. Bar bar, ek bari akh maar yaar. Chori chori kar di hai, tu glance. बेबी कमेंट के चांस मैं ते मुंडा एफिशिएंट सोनी है सोनी है किले वाली जूते उते सूट और मानी थल्ले होवे नंगी उते टी शर्ट पानी ओ गोरी गोरी गल्ला उते नजर चुरानी ए जवानी फिर नहीं आनी स्वैग साडा देसी पर महंगी सुशी खानी मेगा जट जाए पर मिठी गोली खानी ओ गद्दी होवे नमी भावे बुड्ढी दुबई से किधर गए अब था गाड़ी लेके हीरो के बच्चे ट्यूनिंग होगी ट्यूनिंग करवा रहा था गाड़ी की ट्यूनिंग करवा रहा तेरे को ड्राइवर की नौकरी देके बहुत बड़ी गलती की मैंने अरे था किधर मसले बड़े हैं सेठ साहब गाड़ी के बहुत मसले हैं A1 करा के लाया हूं A1 वाकई तू वन है और मेरे को तूने A1 से जीरो कर दिया गाड़ी साफ कर अभी चमका दे तो बंद कर मैंने भर के रखा है अब चलिए बच्चा रशीद पहलवान बहुत गुस्से में है बहुत गुस्से में आया ओ अबे कौन है ओ मैं रशीद पहलवान आपके गुस्से की वजह पकड़ ली मैंने आपकी एक कलम छोटी है एक कलम बड़ी है आपको किसी कुम्हार के हाथ लगे मेरे अब्बा ना हजाम थे गांव में उनकी ऐसी हजामत होती थी जैसे आजकल शहर में बीवियां भी नहीं अपने शौहर की बनाती कौन सी छोटी है वो जो बड़ी के साथ वाली तो बड़ी कौन सी है छोटी के बाजू वाली और तूने मुझे किन कामों में लगा दिया मैं किराया लेने आया था मैंने अपने हिस्से का किराया दे दिया है वो नदीम आएगा तो उससे ले लेना मैं तो नौकरी के चक्कर में इतना वेट कर चुका हूँ कि मैं वेटर बन गया हूँ और वेटर की नौकरी पे भी जाता हूँ तो अगले दिन निकाला जाता हूँ पता नहीं क्या चक्कर है मुझे कुछ नहीं पता हो रशीद पहलवान को जब गुस्सा आता ना तो रशीद पहलवान की भी नहीं सुनता उठा के बाहर फेंक दूंगा मेरा गुस्सा बहुत खतरनाक है वैसे आपकी सेहत देख के लग रहा है आपका गुस्सा आपके लिए वाकई खतरनाक है और मैं 4 महीने का किराया एडवांस देता हूँ एडवांस तुम लोग का 4 महीने का बाकी है कौन सी कलम छोटी है आप अगर मुझे 5 मिनट दे दो ना ईमान से कसम से आप इतने खड़े रहो जगह पे आपको मैंने चिकना बकूना बना दिया ना आपको अभी तक हाथ लगे हैं सिर्फ कुमारों के ठीक है हमारे अब्बा तो तूने मुझे किन कामों में लगा दिया मैं किराया लेने आया तो छोड़ूंगा नहीं नदीम को बता देना अरे आ जाओ ना कल पे भी डाई कर दूंगा सारी सफेद हुई है अबे तू क्या छुपा हुआ होता है यहाँ पे जैसे ही वो जाते हैं तू वापस आ जाता है और ये नई नई शर्टें कहाँ से ले रहा तू अरे अच्छे कपड़े नहीं पहनूंगा तो अमीर कैसे लगूंगा और वैसे भी मैंने एक दिन अमीर हो ही जाना तू ना सिर्फ एक सूरत में अमीर हो सकता है कि तू अपना नाम नदीम से बदल के ना अमीर रख ले अरे कमाली बेटा यहाँ अमीर होने का एक ही तरीका है अमीर लड़की से शादी कर लो करोड़ों वाली के पति नहीं बनोगे तो करोड़पति कैसे बनोगे और मैंने ढूंढ ली 4 महीने का किराया तो तुमसे दिया जा रहा नहीं है और रशीद पहलवान आया था पता नहीं सर्दी से कांप रहा था या गुस्से से अबे झूठा है वो एक नंबर का झूठा नाम देख उसका रशीद पहलवान है वो तो फिर झूठा हुआ ना और देख क्यों कराया हम रहना थोड़ी है हमने यहां पर शिफ्ट होंगे ना मेरे ससुराल तुझे भी एडजस्ट कर लूंगा तेरे सर पे कुछ चीज तो नहीं लगी आज हाँ थप, 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 तुझे कैसे पता लगा तेरी बातों से पता चल रहा है कि तेरे सर पे कुछ चोट बजी है बहुत जोर से और ये अपने मैले कपड़े ना खुद दे के आया करो पैसे मांग रहा था वो मुझसे अबे यार मैं तुझे कह रहा हूं अमीर होने लगे हैं पैकिंग कर तू अपनी गरीबों वाली ख्वाहिशात मेरे सामने तुम यहां नए हो देखो यहां काम का एक वसूल है कस्टमर इज ऑलवेज राइट सर आप फिक्र ना करें
मैं कस्टमर को ऑलवेज राइट साइड पर रखूंगा। गुड। क्या हुआ सर? आपकी एक कलम दूसरे से छोटी है। कौन सी छोटी है सर? वो जो बड़ी नहीं हुई ना, वही वाली छोटी है। एंड इस मामले में आई एम ऑलवेज राइट। मैं जरा सर किचन से वो कमर पे बांधने वाला हूँ। आपके जितने तो अमीर नहीं है लेकिन अरबपति तो हैं हम। अरे अरे अरे, क्यों शर्मिंदा कर रही हो? कितने बहन भाई आप? I'm the only one, इकलौते। I see. Waiter. वैसे बिजनेस क्या है आपका? पैट्रोल। पैट्रोल स्टेशंस? कुएं, तेल के कुएं हमारे। अच्छा। मालिक की गाड़ी से पेट्रोल निकाल के बेचते हैं ये। पानी का है। तुम? पूछना तो मुझे चाहिए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो नदीम? अरे वाह, वेटर तक तो आपका नाम पता है। आता रहता हूँ ना, टिप वगैरह देता हूँ तो याद रखते हैं। मैं मैम के लिए मिनरल बॉटल ला जल्दी से। अबे वही जग वाला पानी बोतलों में बंद करके भेज रहे हैं मिनरल वाटर कह के। हम अगर पैसे लग जाएंगे तो तेरे पास है भी नहीं। जाओ मैनेजर को भेजो, जाओ लेकर आओ, भाग कर टावर। मैनेजर से पहले ही बोल दूंगा इससे पहले पैसे ले ले, वहां से पैसे भी नहीं देगा और बर्तन भी नहीं धोने आते। वैसे आपके फादर का मेन बिजनेस क्या है? ही इज अ शू मैन्युफैक्चरर, उनकी जूतों की काफी फैक्ट्रीज हैं। मोची हैं, गांव में जूते काटते हैं। कोई वही मैं मेरी शादी का क्या मिलने वाला है? यार तुम अभी तक गए नहीं, मैनेजर को भेजो ना यार, जल्दी करो, चलो शाबाश। कैसे कैसे बेटे से? Oh my God, you're such a sweet person. आप कुछ कहते हैं? जी सर, any problem? क्या खाएंगे आप? आप क्या लेना पसंद करेंगे? आप जो लेंगी वो हम खा। फिर भी आप क्या लेंगे? आप जो कहेंगे। Okay. स्टार्टर में आप हॉट एंड सावर सूप कर दें, डायनामाइट प्रॉन्स कर दें, मेन में मोरक्कन चिकन कर दें फॉर मी। आप? मैं तो इतना मीठा खा, आप देखें। अरे इनके लिए बीफ स्टेक कर दें, सच अ शाय पर्सन। डिजर्ट में व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? चॉकलेट लावा केक। और सर आप क्या लेंगे? दो लोग हैं ना, काफी नहीं लग रहा आपको? ले आए ये ले जाए। थैंक यू। Food was delicious, huh? Yes. Michelle, सच बोलूं तो तुमसे मिलने से पहले मुझे love at first sight पर बिल्कुल यकीन नहीं। अब हो। नदीम, सच पूछिए तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हाल है। तुम एक ही गाड़ी में रोज एक ही गाड़ी है? नहीं, probably coincidence हुआ होगा। आप रोज बदलते हैं? वो जो ड्राइवर साफ करते तो फिर। मिशेल, मैं तुम्हें अपना साथी बना दूँ। आप कुछ ज्यादा फास्ट नहीं हो रहे हैं। मैडम बिल कैश करेंगी या कार्ड? हाँ? मैडम से बिल मांगते हैं यार, मैडम लड़कियों से बिल मांगते हैं, तमीज नहीं तुम्हें किसी ने सिखाई? मैं दूंगा और कौन देगा? वाह भाई, 4,000 कमरे का किराया तो तुमसे दिया नहीं जाता, 6,000 का बिल भरूंगा। कौन से कमरे की बात कर रहे? गरीब का बच्चा अपने कमरे की बात करेगा ना, और किसकी बात करेगा? इन बेचारों की भी यही परेशानियां हैं, कमरे का बिल, बिजली का बिल। हाउ कैन यू जज देम? ये लो और कमरे का बिल भी दे देना, टिप भी रख लेना और बिल भी लेना। ओके, थैंक यू। अब मैनेजर को भेज दो प्लीज। यू आर सच अ काइंड हार्टेड पर्सन। इनकी दुआएं बहुत लगती है निशा, तुम्हें पता है। ये द फूड वाज फैंटास्टिक। थैंक यू सर। थैंक यू। ये एक काम करो, ये रखो। सर इसकी क्या जरूरत थी?
अपने बच्चों को देना, वेटर्स को देना और कीप इट अप, वेल डन. थैंक यू सर. दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू. चल, जब इनके चेहरे पे मुस्कान देखता हूँ ना तो जिंदगी का मकसद समझ में आता. कमीने, 4,000 किराया देने के तेरे पास नहीं है, मनशे उस लड़की पे खर्चे कर रहा है तू. अबे भुक्कड़ साले, इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्टमेंट, कल को जब आयाशी करेंगे तो तू भी तो करेगा. और तेरा बाप कौन सा शू कंपनियों का मालिक है? मोची है वो, मोची. और वो भी दो जूतों को एक टाका लगा के जोड़ी बनाने वाला मोची. चल अपने बाप का लेवल थोड़ा ऊपर कर लिया, अपने आंख लग गई है. तूने क्या कमा लिया रेस्टोरेंट में? चपेड़े मार के निकाला तूने, चपेड़े. कर दी ना तूने छोटी बात. मेरी क्या गलती थी इसमें? उस कस्टमर ने कहा जो चीज फ्रेश है वो सर्व कर दो. एक नया वेटर आया था, मैंने उसी को सर्व कर दिया, वो माइंड कर गया. चलो उदास रहो, इसलिए तो कहता हूं फिक्र ना कर. जब अमीर हो जाऊंगा ना फिर भी 5-star होटल खोल दूंगा. फिर निकालता नहीं तू भी वेटर से. बस दुआ कर मेरी मिशाल से शादी हो जाए. एक बात कहूं? हाँ. अगर मैं अमीर ना होता तो फिर भी तुम मुझसे प्यार करती? और अगर मैं गरीब होती तो? मजाक कर रहा था, तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता. I love you. I love you too. तू क्या वेडिंग सिंगर बन गया? अरे कमाली बेटा, इतने पैसे आने वाले हैं कि गिनते गिनते थक जाओगे. क्या? वो जो तूने जॉब के लिए अप्लाई किया था तुझे मिल गई कैशियर की? या अल्लाह, तू कैसे मेरी बातें सुन लेता. मुझसे प्यार करता नहीं. विशाल, ये इतनी महंगी अंगूठी तूने कहां से चुराई? चुराई नहीं है यार, खरीद लिया नगद. डबल रोटी खरीदने के तेरे पास पैसे नहीं है, तूने अंगूठी खरीद ली है. अरे डबल रोटी के नहीं थे इसलिए नहीं खरीदी ना. अंगूठी के थे, खरीद लिया. डेट पे जा रहा हूँ विशाल के साथ. कमाली, अगर वो मान गई ना. तो भाई करोड़पति. कौन है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी मैंने ही अप्लाई किया था वेटर की जॉब के लिए. नहीं नहीं, पुरानी नौकरियां मैंने तो नहीं छोड़ी. पता नहीं उन्हीं को क्या हो जाता है, वो खुद ही कहते हैं कि आप छोड़ दें. हेलो, फोन बंद नहीं करना चाहिए था. पता नहीं क्या खास बात हो. नदीम, नदीम कहाँ है? नदीम मेरा बेटा, मुझे बहुत अफसोस हुआ है. नदीम, नदीम कहाँ है यार? अफसोस तो मुझे भी हुआ. असल में वो आपकी एक कलम जो थी ना बड़ी, उसको छोटा करने के चक्कर में वो ज्यादा छोटी हो गई और दूसरी बड़ी हो गई. क्या बात कर रहा है, मुझे नदीम की माँ मर गई उसका अफसोस हुआ है.
नदीम की अम्मा फौत हो गई, लेकिन वो तो 2 साल पहले फौत हो गई थी। उसके अब्बा मरे होंगे पड़ोसन पे। और रोता हुआ मेरे पास आया था अपनी माँ के जनाजे और कुलों के पैसे मांगने। मैंने 50,000 रुपए दे के उस बेचारे को रुख्सत किया है। मतलब उस अंगूठी के पैसे उसने आपसे मारे हैं? वो एक अमीर अरबपति लड़की को बेवकूफ बना रहा है ना ये बता के कि वो भी बहुत अमीर है। क्या बकवास कर रहा है तू नदीम है का? वो एक चाइनीज रेस्टोरेंट में गया है डेट पे। कहाँ गया है? चाइनीज खाने वाली जगह नहीं, रेस्टोरेंट। उसने मुझे फिर बेवकूफ बनाया, छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। नहीं, नदीम ने आपको बेवकूफ नहीं बनाया, वो तो अल्लाह मियां ने। छोड़ूंगा नहीं मैं नदीम, नदीम छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे पूछता हूँ कौन से रेस्टोरेंट में, मैं आता हूँ। कुछ कहा? हाँ? कुछ कहा आपने? सच तो यह मिशाल, जो कहना चाह रहा हूँ कह नहीं पा रहा। मिशाल, मेरे लिए तुम्हारे 1,000,000 रुपए की कोई अहमियत नहीं। मेरे 1,000,000 रुपए की कोई अहमियत नहीं। है तो सिर्फ तुम्हारी। प्लीज, थैंक यू। इतना प्यार करते हो मुझसे। आई विश आई कुड टेल यू। शाल, मैं तुमसे अपना हाथ मांगना चाहता हूँ। You mean मुझसे मेरा हाथ मांगना चाहते हो? You're nervous. That's what you do to me. तुम्हारा हाथ मांगना चाहता हूँ। Will you marry me? मुझे तो सच में यकीन ही नहीं हो रहा कि एक तो करोड़पति, ऊपर से इतना हैंडसम लड़का मेरा पति बन रहा है। ओए करोड़पति नहीं है ये, फुकड़ है फुकड़। 4,000 रुपए किराए के देने को है नहीं इसके पास। बड़ा आया करोड़पति, अब तू तो छोड़ मुझे। कमाली, ये क्या कह रहा है? यार मैंने तो बहुत रोकने की कोशिश की ईमान से, लेकिन वो रुक ही नहीं रहा। और जहां तक कहने की बात है तो कह तो ठीक रहा। आ जा पुत्र, आ जा, आ जा। Who is he? I don't know. मैं बताता हूँ, ड्राइवरी करता है ये, ड्राइवरी। नहीं नहीं, इनकी तो तेल के कुएं शू कंपनीज हैं, है ना? पांच। इसने जो आपको अंगूठी पहनाई है ना, वो भी माँ के जनाजे पे उधार के लिए लिए थे पैसे, उसकी खरीदी है ये अंगूठी। क्या मतलब, क्या कह रहे हैं ये लोग? क्या वाकई में तुम करो? बिल्कुल फुकड़ है। मुझे मेरे पैसे चाहिए जो तूने मेरे से उधार लिए, और वो जो इमोशनल ड्रामा किया, मेरे इमोशन से खेला अपनी माँ की मौत, उसकी पेमेंट ना लग लूंगा, इनको बोल मेरे पैसे वापस। दे दे यार, दे दे, अब तो मेरे कानों में लग रही है आवाज। यार इस बंदे का दिमाग खराब हो गया, तो हमारी तो मंगनी हो गई अब, यू नो। नहीं नहीं, एक मिनट, ये सब कुछ जो कह रहे हैं वो क्या सच है? तुम क्या मुझसे झूठ बोल रहे थे? बेवकूफ बना रहे थे मुझे? नहीं, बेवकूफ नहीं बना रहा था, वो आपके पैसों से अमीर होना चाह रहा था बस। छोटा सा फ्रॉड करने की कोशिश की, कैमरे में देख के हाथ हिला दे। तुम्हें पता है, भूखड़ों को तो मैं सलाम का जवाब भी नहीं देती। उस सलाम का जवाब ना देना बहुत सख्त गुनाह है। जान कैसी बातें कर रही हो, करोड़पति नहीं हो तो क्या हुआ? हम दोनों करोड़पति हो ही जाएंगे, फिर शादी होने वाली हमारी, तुम्हारा वो मेरा, ही अब करोड़पति हो ही जाना है। अपनी अंगूठी,
और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना, समझे? फेक पीपल, फेक वर्ल्ड। मिशेल, लिसन। पहना दूं? पहना, पहना, पहना। ये भी रख लो फिर। अरे रशीद परवान, तुझे कीड़े पड़ेंगे। मेरे करोड़ों का नुकसान कराया तूने। और करोड़ों का सामान, करोड़ों का नुकसान, टोटल 75 रुपए से ज्यादा की कोई चीज नहीं है तेरे पास। अरे इतनी मालदार लड़की से शादी हो रही थी मेरी, करोड़पति बन जाता मैं, एक दो करोड़ तेरे मुंह पे भी मारता। एक मिनट ठहर जा, ठहर जा। अबे कभी बड़ा मत सोचना तुम। अबे कम पे कुछ पकड़ भी ले। अब तुम लोग मुझे मजीद बेवकूफ नहीं बना सकते हो। रुक जा। अबे इससे ज्यादा मजीद बेवकूफ तुझे बना सकता है कोई क्या? वो तो है। उठा अपना सामान, दबाओ जबर ना, बुलाओ पुलिस को। जो रही जा रशीद पहलवान, अल्लाह करे तेरी कल में कभी बराबर ना हो। देखा ही नहीं। अरे भाई, घर से तू तो ठीक होलिए में गई थी, ये लाल परी बन के कहाँ से आ रही है? वो दोस्त की बर्थडे थी। अच्छा, सालगिरह से इतनी जल्दी आ गई, वाह वाह। क्या मसला? क्या जल्दी आ जाओ तो प्रॉब्लम, देर से आओ तो प्रॉब्लम, मतलब क्या करे इंसान। मैं तो कह रही हूँ, ये तो कपड़ों की दुकान छोड़ के ना किसी अच्छे दफ्तर में क्यों नहीं मुलाजमत कर लेती, जहाँ इतनी सारी तनख्वाह मिलती है, इतने सारे और लोग भी तो करते हैं। अम्मा क्या बात करती है, पिक एंड ड्रॉप भी तो देते हैं वो लोग। हाँ ये भी सही है, मैं तो सोच रही हूँ कि ये घर में जो कमरा है ना, इसको किराए पे दे देते हैं, तेरे हाथ भी तो पीले कर ले। अम्मा जो भी करना ना करें, मुझे वैसे भी इस घर से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो ना शादी करके किसी बड़े से घर में जाऊँगी और वहाँ पर अय्याशी करूँगी, बल्कि दोनों चलेंगे ना, कैसा? तौबा तौबा, मैं क्यों जाने लगी? और तेरा दिमाग तो ना साथ में आसमान पे रहता है, कोई भेजा हो यहाँ पे दबाव में तो कुछ सोचे। भाई क्या है, नसीहत ही खाती रहो, खाना वाना नहीं मिलेगा आज? झूठी झूठी, एक नंबर की झूठी, खुद कह रही है सालगिरह से आई हूँ, सालगिरह में तेरी सहेली ने तुझे खाना नहीं खिलाया। वाह 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 वाह। और आ क्या, ये जरा दिखा, जरा चादर हटा। है ये फिराक कहाँ से ली तूने, बता तो सही। ये जोपा के स्टूडियो से छप्पड़ किया, और क्या, यही तो फायदा है नौकरी का, जिसका बर्थडे था ना उसे दिया मुझे। वाह 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 वाह, बड़ी फराके मिल रही है। वो हमें तो कुछ जानता ही नहीं है, हमें घर कौन देगा? जहाँ कोई नहीं जानता वहीं तो घर मिलेगा। तो हीरो जैसी शक्लों वाले दो लड़कों को जिनकी शादी भी नहीं हुई उन्हें कोई घर नहीं देता। तुझे तो मिल जाए। समझ रहा
अल्लाह मियाँ, मैसेज भी पढ़ा था, 113 जो मैं रात नमाज पढ़ूंगी ना तो कोई अच्छा वर मिलेगा। यहाँ तो 127 हो गई है अल्लाह मियाँ, अब तो मिल ही जाना चाहिए। देखा ना, अल्लाह अल्लाह करके एक अमीर बंदा मिला था, वो भी भुक्कड़ ही निकला। अल्लाह मियाँ, क्या मेरे नसीब में भुक्कड़ ही है? नहीं ना, मुझे पता है, चाहिए क्या मुझे? कुछ भी तो नहीं चाहिए, यही कोई 3-4 हज़ार गज का घर हो, जिसके बाहर ना ऐसे ऐसे लाइन से 3-4 गाड़ियां खड़ी हो, और 30 नौकर हो। अच्छा, ज्यादा हो गए, चलो 20 नौकर हो और 2 पूल हो। अच्छा, ऊपर वाला ना भी तो चलेगा, नीचे तो जरूरी पूल हो। अल्लाह, में इतनी बड़ी दुनिया है, इतना सा घर मिल जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे पता है। बस अल्लाह, अब तो कुछ कर दे, अब तो मेरा काम बना दे। वैसे भी ना, आज स्टूडियो में एक लड़का आया था और ऐसे हंस भी रहा था मुझे देख के। आई अल्लाह मियाँ, मुझे पसंद कर ले, उसके भी मुझे पसंद कर ले, कितना मज़ा आएगा। बस अल्लाह में जल्दी से कर दे, आपस की बात है। रोज़ाना ना कपड़े चप्पड़ कर करके भी थक गई हूँ, किसी दिन पकड़ी गई ना तो नौकरी भी हाथ से जाएगी। बुक्कड़ तो हुई और बुक्कड़ हो जाऊँगी। बस कर दे, और जो मेरे हक में बेहतर है ना वो कर दे, बस बेहतरीन कर दे। कौन? अरे कौन हो, बोलो तो सही। नहीं भाई, कोई नहीं बोलेगा, गूंगे आगे चाहे। तो आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे। ये चलो, सबर सबर। आए हाय, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, कौन हो बेटा? वालदा, मस्जिद से पता लगा यहाँ किराए के लिए कमरा खाली था तो आ गए। पर वो कौन, ये तो बताओ। अस्सलाम वालेकुम वालदा माजदा, मेरा नाम कमाली है, मेरे वालिद गांव में बाल काटते हैं। सीधा कहो, हजाम है। मैं नदीम हूँ और यतीम हूँ। अल्लाह जी। वालदा माजदा समझो, कोई नहीं है तुम्हारा दुनिया में? नहीं नहीं है तो माशाल्लाह इसके सब लोग, लेकिन लड़का यतीम। आप वालदा जैसी लगी। असल में वालदा, हमें मस्जिद के बिल्कुल करीब कमरा चाहिए था, तो सबसे करीब यही पड़ता। अब रुको तो सही। हाँ है तो, सबर करो, है कमरा है, लेकिन किराया कितना दोगे भाई ये बताओ? जितना पहले देते थे। पहले तो कभी नहीं आए, इनको भी किराया नहीं देंगे। नदीम, हम वालदा माजदा को पूरे 4,000 रुपए किराया देंगे इंशाल्लाह। हाफिज़, 6,000 से कम बात नहीं होगी। वालदा बात तो सुने, आप वालदा तो बने, इंशाल्लाह 8,000 रुपए देंगे आप। 8,000 कौन से देंगे? अरे हमने कौन सा दिन है? क्या बिट कर रहे हो? कह रहे थे कि 8,000 रुपए देंगे वालदा माजदा इंशाल्लाह। 8? अच्छा तो फिर वो बताओ, वो क्या कहते हैं, वो एडवांस और सिक्योरिटी, उसकी बात करो। वालदा माजदा एडवांस और सिक्योरिटी तो नहीं हो पाएगा। देंगे, ये दे पाएगा, मतलब मैं नहीं दे पाऊंगा, ये दे पाएगा। क्या है? मेरी वालदा के सोने की बूंदे थी, उन्होंने कहा था जब मुश्किल आए, मुसीबत आए तो इसको भेज देना। वालदा मरने के बाद भी बच्चों का ख्याल रखती। तुम्हारी वालदा ने तुम्हें सोने के जेवर दिए थे, मुझे पता नहीं खाई थे। अब अजान का टाइम हो गया है। हाँ हाँ, आओ आओ, तुम सामान आ जाओ। वालदा माजदा, आप ये सामान रखिए, मैं जरा नमाज का टाइम है, जरा आप चल 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 घटिया बालियां उतारते ना ये पहनू भी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। ये शोर कैसा है? नए किराएदार आए, दो नए किराएदार आए और आते ही वाईफाई का पासवर्ड ही मांग लिया। भाई बहुत ही नेक बच्चे हैं, नमाजी, परहेजगार, टोपियां पहने हुए, टोपियां। वो तो लग रहा है, इतनी तमीज नहीं है कि ऊंची आवाज में सुन रहे, तो हेडफोन्स लगा लें। हो गई होगी, अभी देखना आवाज होंगी, अभी नीचे हो जाएगी। नहीं, मैं बता रही हूँ, अगर इनको अभी से औकात में ना रखा ना तो ये सर पे चढ़ जाएंगे। नहीं विशाल, बात तो सुन। अरे मैं मना, मैं चल गई भैंस पानी, कमरा खाली करा के दम देगी। मेरे उसूल चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। तुम
लक्कड़, तू? तो ये तुम्हारा घर है? तुम तो कहती थी तुम्हारे पति हो। निकली ना, तुम भी गरीब हो। थू, थू। चल चल, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। वे चल, चीड़, गरीब कॉलोनी की ब्रिटनी स्पीयर्स, तुमने मुझे धोखा दिया। तुमसे मोहब्बत की मैंने कि तुम्हारा पति, और तुम निकली चाय पत्ती मांगने वाली। हाउ चीप, मुझे तो तुझसे बात ही नहीं करनी है। मुझसे बात कर लो। तू उससे बड़ा चीप। अबे चल। और तू चल, तू क्या देखेगा, मैं तुझे दिखाऊंगी। तुझे तो ना मैं किसी शहजादे से शादी करके दिखाऊंगी। मैं भी देखता हूँ कैसे करती है अमीर आदमी से शादी। ओ जेलसी हो रही है कहीं? लव शव तो नहीं हो गया मुझे हसीन से? लव की वैक्सीनेशन तो बचपन में ही लगवा लेते हैं बेटा, लव शव नहीं होता हमें गरीबों। तू चल, मैं अभी बनाती तुझे। बाथरूम में कोई चीज काम नहीं करती, कराया लेंगे 8,000 माय फुट। चीता प्रिंट का पांडा फ्रेम भी लग गया, अब्बा के क्वालेजरी भी लग गई, अम्मा का रुमाल भी सेट हो गया यहाँ पर। ये तू हर कमरे को जाम की दुकान क्यों बना लेता? अरे अब्बा के क्वालेजरी हैं, ये देख। हमारे सामने बड़े बड़े शहंशाहों का सर भी झुकता है। मुझे फखर है अब्बा जी पे, हर बंदे को नया हेयर स्टाइल देते थे वो। वो तो गंजों का भी नया हेयर स्टाइल बना देते थे। हम बाल काटते हैं किसी जानदार को नहीं, कसाई की दुकान आ गया अब्बा जी हजाम। अब्बा के अखवाले से रही हैं। और बाय द वे बाल भी जानदार होते हैं। बाल कटते हैं ना तो खून नहीं निकलता। तूने अपने अब्बा को बाल काटते देखा नहीं है? ये हर एक को बताने की जरूरत क्या है कि तू हजाम का बेटा? मैं अपने अब्बा को ओन करता हूँ, मुझे फखर है अपने अब्बा पे। और अगर एक आधा कान आ गया ना उनकी कैंची में तो गलती तो सबसे हो जाती है यार। कभी ना कमाली तरक्की नहीं कर सकता, ये बात तो डन है। इधर आ, ये देख, ये देखा इनकी तस्वीरें देख। इन सब में एक बात कॉमन है, पर पूछ क्या क्या? अरबपति हैं सब, अरबपति। इनकी तस्वीरें लगाया कर कमरे में, मोटिवेशन आएगी अमीर होने की। और ये कौन से कारोबार से हुई अरबपति? तलाक से। तुझे पता है अमेरिका में औरतों के सबसे आसान तरीका क्या है अमीर होने का? अरबपति खावन से तलाक ले। और हमारे यहाँ सबसे अच्छा तरीका है, अरबपति को अपनी पत्नी बना लो। तेरा भाई ना मेहनत करके कामयाब बनेगा। देख कमाली, अमीर कभी ना अपनी मेहनत से नहीं होते, दूसरों की मेहनत से होते। और अमीर होने का सबसे बड़ा एक असूल है, पूछ क्या? क्या? कि जब तक अमीर ना हो जाओ कोई असूल नहीं बना। बोल, क्या बोलने लगा? क्या बोल, तेरी तो कल में ही बराबर। उठ जा दी में, उठ जा, बेइज्जती हो गई है। हाँ हो गई है। हो भी गई है? अभी तो हनी सुनहरा रास्ते में है, तेरी आधे घंटे पहले ही होगी, इतना तो एडवांस में चल रहा है। अबे सुबह ठेकेदार के पास लेट पहुंचा हो यार, अच्छी बेइज्जती की उसने, और आते हुए और बुरी बेइज्जती की है। यार तूने तो बेइज्जती में PhD कर लिया है, अच्छी बेइज्जती, बुरी बेइज्जती, मुनासिब बेइज्जती, गैर मुनासिब बेइज्जती। उठ जा। इतनी मुश्किल से अब्बा का सलोन सेट किया तूने, क्यों डर रहा है? वो हनीफ सुनियारे को लेके आ रही है तुम्हारे जुमके चेक कराने के लिए। क्या फ्रॉडी है? इसलिए सैर लगते हैं मुझे गरीब लोग, स्टूपिड पुअर पीपल। आप तो उड़ जाए मियां मंशा साहब। अम्मी हाँ? वो जरा झुमके तो लेकर आइएगा। आप इसकी क्या जरूरत है, जब मैं कह रहा हूँ असली वादा तो असली है। बता कमाली, मैं झूठ नहीं बोलता। हाँ? अम्मी मैं कह रही हूँ ना, जरा लेके तो आए। वालदा आपको मेरे पे जरा भी एतबार नहीं? नहीं, मेरी असली माँ होती तो आप ऐसे करती। गरीबो, मेरी बात ना मान के मेरी इंसल्ट करी, सारी जिंदगी याद रखूंगा। चल चल, तेरी बड़ी इज्जत है जैसे। नाई ने बड़ी ज्यादती की आपके साथ, एक कलम मोटी एक कलम पतली कर दी उसने। मोटी?
मोटी नहीं है, असल में उस तरफ वाली पतली कर दी, कम पैसों के चक्कर में हाथ लग गया आपको। अरे आप छोड़े ये पतली मोटी और ये बताएं कि ये असली है या नकली। अरे ये क्या कर रहे हैं, खा के बताएंगे असली कि नकली। अरे मियां, असली और नकली की पहचान होती है, अगर इसके ऊपर दांत के निशान पड़ गए तो ये नकली, नहीं पड़े तो असली, समझे। मैं नहीं खाने दूंगा, मेरी माँ की आखिरी निशानी है, मैं नहीं चबाने दूंगा इनको, मेरी माँ में मेरी माँ की आखिरी निशानी है। सबर करो। भाई नकली और असली का तो पता चल गया, मैं चलता हूँ। किधर? सामान से मिलटू ना जाके, जब भी कोई मालिक मकान सामान फेंकता है तो सबसे ज्यादा सामान मेरा ही टूटता था। अनीब भाई बड़ी देर हो गई, अब सबको बता भी दे कि नकली है। बताए अनीब भाई? हाँ, बताए ना अनीब भाई, बहुत हो गया, आप बता दें। अनीब भाई बताए ना, बताए ना असली सोना है। क्या दोबारा चेक करें? चेक करके ही तो बता रहा हूं। गरीबो लाल, आज तूने मेरी मरी माँ का मजाक उड़ाया, सारी जिंदगी याद रखूंगा। I am ready थे, I am sure में। चल चल बस कमल का जज्बात नहीं बस। ये ले वालदा, रख ले। नदीम यतीम, खड़ा हो मेरे, उठ के खड़ा हो, मैं कह रही हूँ उठ के खड़ा हो। बहुत बढ़िया जी। मेरा पास क्यों रख भाई? क्या चोरी होने का खतरा था? एतबार था। अच्छा बस आएगा, तूने अपने आप को यतीम कहा ना, मैंने नहीं बोलना तेरे से आए। हेलो, कहाँ से लाऊं मैं 5,000 रुपए? मेरे पास कैसे आए 5,000 रुपए? हमेशा छोटी बात करी और घटिया बात करी। 5,000 आज देगा तो कल 5 करोड़ लेगा भी तो सही, अमीर होगा तो दूंगा ना तेरे 5 करोड़। यार मेरी जॉब का पहला दिन है यार, तो एडवांस ले ले, इसका वैसे भी फायदा ही होता है, जब तक पूरे नहीं होंगे तुझे निकालेंगे नहीं जॉब से। अच्छा करता करता। आया सर। सफ्तर घी मिल्स पता है किसकी है? मेरी। सफ्तर एयरलाइंस पता है किसकी है? आपकी? नहीं, ऐसी कोई एयरलाइन ही नहीं है। ओह माय गॉड, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। सर आपसे एक जरूरी बात करनी है। जाओ चांद में टेबल, जाओ ऑर्डर लेकर आओ। हम भी खानदानी रईस। यस, डिफेंस फेस फोर, वहाँ 4,000 yards का बंगलो है हमारा। नहीं। यस यस। है तो 1,000 गज का लेकिन 200 गज पे मैडम। तुम क्या कर रहे हो? जी मैं वेटर हूँ, ऑर्डर लेने आया हूँ। वेटर? वेटर, इस रेस्टोरेंट की सबसे महंगी डिश कौन सी है? जी वो तो बिल है जो एंड में आएगा। क्या? तो आपने कटिंग कहाँ से करवाई है? ब्रांडेड ब्यूटी सलॉन्स। तभी तो वहाँ से लोग जेबें कटवाते हैं, उसने तो कल में ही छोटी बड़ी कर दी है, पूरे 19 और 128 का फर्क है। क्या? वेटर, ये और ये अभी ऑर्डर करता हूँ। डैमिट, बुझ गई, ये मैं ठीक करके ले आता हूँ। इट्स फाइन, यू लुक गुड। आप भी बोलो। पति मिल भी गया, बड़ी नाइंसाफी। और मैंने कलर भी अपनी पसंद का मंगाया, पापा तो मुझे मना करते रहे। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, तुम वेटर हो या मैनेजर? वेडिंग प्लानर।
आपकी 5-star वेडिंग का मैं ही वेडिंग प्लानर हूं. मीट माय वाइफ टू बी देन. व्हाई नॉट. वेरी नाइस टू सी यू. आपको कहीं मैंने देखा है पहले? ओ मिशाल तुम. अरे मेरा नाम भी पता है. आजकल इनको बेवकूफ बना रही हो? हाँ? ये अमीर लोगों को बेवकूफ बनाती है, ये इनका पेशा. तुम जानती हो ना? जानती भी है और पहचानती भी है. इन्होंने आपको कहा होगा कि खानदानी रईस है, नहीं? हाँ? अगर ये खानदानी रईस है तो मैं कायदे आजम हूँ. 4 मरले के घर में रहती है, गरीबों की ब्रिटनी स्पीयर्स है. 4 मरले? उनमें से 2 मरले हमारे हैं, मैं और मेरा दोस्त किराएदार हैं. कमाली इधर आ. नदीम सर, यही तो मेरा दोस्त है नदीम. इसी को तो 5,000 रुपए देने. जरा 5,000 दे, मैं इसको तो फारिग करूं. तुमने मुझसे झूठ बोला? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं. तुम मेरे साथ गेम्स खेल रही थी? नो नो, नॉट एट ऑल. तुम्हें पता भी है कि मुझे झूठ से कितनी नफरत है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं. मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में इस तरह की मनुष्य शक्ल कभी देखी ही नहीं. मैं कभी झूठ बोल सकती हूँ? अरे अरे, तू बताता क्यों नहीं? मैंने तुझसे झूठ नहीं बोला. नहीं मैं नहीं जानती. आई एम आउट ऑफ हियर. भाई डरो. निकालूंगा तुझे भी, धक्का दे के निकालूंगा. सर धक्का वक्का देने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही चला जाऊंगा. धक्का देने से ना मुझे दारे पड़ जाते हैं. ओ ले, मैं वैसे ही चला जाऊंगा. मार. क्या हो गया यार तुझे कमाली? उदास क्यों है? अच्छा ले, काम करते हैं. तेरे लिए भी कोई मालदार बीवी ढूंढ के तुझे वहां खावंद की नौकरी लगवा देते हैं. अबे चल. कुत्ते कमीने, तुझे तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं. देख के अबे रुको बे, सारी मुझे लग रही है, उसको तो एक भी नहीं लग रही. तू तू हट सामने से, हट यहाँ से. और तू, तूने मेरा मुस्तकबिल खराब किया ना. मैं तेरा हाल, तेरा माजी, तेरा मुस्तकबिल सब खराब कर दूंगी. अबे चल, तो गलत क्या कहा मैंने? सही तो कहा, गरीब और लाल कहीं की. अबे मुक्कड़ कहीं के. एक तो तूने पहले अपने चक्कर में मेरा वक्त जाया किया, उसके बाद मेरा इतना अच्छा रिश्ता लगा, तू अपने घटिया पन को तराया ना. तू देखना देखना, तू, मैं तुझे कभी तरक्की करने नहीं दूंगी. मैं तो कर सकता हूँ ना तरक्की. तू चुप कर, जहाँ जाती वहां जाके नौकरी करना जरूरी है. तुझे तुझे मैं बता रही हूँ, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगी. चल चल, देख लेंगे. ठीक है देख लेंगे. जब तक इसे पता लगना है सलमा ने मेरे नाम का कलमा पढ़ लिया होना. तू जो उसे गेंदे पकड़ा रहा था. ए, कमाली, तुम्हें पता है सलमा, अगर मैंने फैमिली से बाहर शादी की ना तो मेरा करोड़पति बाप मुझे अपनी जायदाद से आग कर देगा. लेकिन तुम्हारे लिए मैं सब कर सकता. तुम्हें पता है नदी, मेरे पास सब कुछ है, बस मुझे तुम जैसा ही प्यार करने वाला और सच्चा इंसान चाहिए था. सलमा, तुम हो तो सब है, तुम नहीं हो तो. क्या हुआ तुम्हें? आराम हो. तेरे को ड्राइवर मैंने इसलिए रखा था कि तू मेरी गाड़ी में ऐसी हरकतें करता फिरे. मेरी बात तो सुनो. क्या बात है सुनो तेरी. मैं नदीम, ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं, दोस्त के बुक. अरे मैं बताती हूँ बहन. अल्लाह, तुम
ये ना, इसने मेरी दोस्त को बेवकूफ बनाया था और मेरी दोस्त को भी बेवकूफ बनाया और उसके दोस्त को भी बेवकूफ बनाया। चार पांच लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर चुका है। पता है क्या करता है ये बोलता है मैं तो बहुत अमीर हूँ और फिर लड़कियों को फंसाता है। ये गाड़ी इसकी नहीं है, ये एक दो नंबर दो टके का ड्राइवर है। ये गाड़ी तो इनकी है, सेठ साहब की। ये देख रही हो, ये तस्बीह, ये टोपी। बेचारे नमाजी परहेजगार, उनको बेवकूफ बनाते हुए शर्म नहीं आती? झूठ बोल रहे थे सलमा, झूठ बोल रहे थे। सेठ साहब, आप इसे मेरी तरफ से भी दो मारे। सुन, तुम इन पे यकीन कर रहा? दो क्या, इसको तो चार मारूं मैं। सलमा, सलमा। अरे आपको नहीं पता था इसकी हरकतों का? नहीं, मेरे को नहीं पता। मैं बताती हूँ ना, ये एक नंबर का ठरकी आदमी है, आपको बेवकूफ बना रहा था। सलमा, तो आप तो बड़ी सीधा आदमी है। सलमा, तो कुछ पता ही नहीं लगा आज तक। तो बा, मेरे को नहीं पता। मेरी बात का यकीन करो। तो इसको शरीफ लड़का समझ के अपना ड्राइवर रखा था। आजकल का जमाना ही खराब है। इसकी बात क्या सुन रहे, करोड़ों का नुकसान करा दिया आपने। चलो अब घर। कहीं जा रहे? घर चले। चाबी दे मेरे को, चाबी दे। चल उठा का इधर से निकल। चल बेटिया, तेरे को मैं ड्रॉप करता हूँ। जाओ तब। आ जाओ मेरा बच्चा, आ जाओ। नजर नहीं है ना? अब नजर आया थाने में बंद करा दूंगा तेरे को मैं। सबसे बड़ी चोर खुद है ये। डाल झूठा, झूठा आदमी है तू। झूठ बोलता है, आपको चूना लगा देगी। कैसे बोल रहे? मैं बड़ा चूना लगाया। सेठ साहब को चुनाई अभी। चल चल जाए घर से। जा उठा जा, चल निकल जाए घर से। चल मेरी भी नौकरी गई है। तेरी नौकरी तो झूठ बोलने की वजह से गई है ना, मेरी तो हमेशा सच बोलने की वजह से। तेरी तो जानी चाहिए, सच कौन बोलता है इस टाइम में? सच बोलने का कौन सा टाइम होता है? 9 बजे तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि वो खबरनामे का टाइम होता है। दुखी हो यार मैं? अच्छा नहीं, मैं बड़ा सुखी हूँ। कसम से कुछ भी करने का दिल नहीं करता। अब तेरी एक कलम छोटी है, बताने का भी दिल नहीं करता। मैंने प्लान बना लिया। मेरी जिंदगी में सारे मसले चुड़ैल मिसाल की वजह से हैं। उस गरीबों लाल को तो मैंने अपने रास्ते से हटा दिया। तू एक काम क्यों नहीं करता? खुद क्यों नहीं उसके रास्ते से हट जाता? लिफ्ट ले। मांग दफा कर, बैठी रह। चलना भुक्कर, हट मेरे रास्ते से। करीब बात सुन ले, पसंद ना आए तो मना कर दी। मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी। तेरे घटिया दिमाग में कभी कोई अच्छी बात आई है? सुन तो ले। देख, हम दोनों का एक ही मकसद है, हमें लाइफ पार्टनर ढूंढना। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, अच्छा मुस्तकबिल सोचने का हमारा हक है पूरा पूरा। और तू ये बात अच्छी तरीके से जानती है, आजकल के टाइम में इससे अच्छी जॉब कोई नहीं है हमें लाइफ पार्टनर ढूंढने के अलावा। मिनटों में मिलियनेयर। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैं एक बिजी खाती हूं। सही है, जो भी बोलना है जल्दी जल्दी बोल। सुनो, अगर हम एक दूसरे के रास्ते में रुकावटें डालने के बजाय एक दूसरे का साथ दें लाइफ पार्टनर ढूंढने में, तो क्या बोले जा रहे हो? Yes. Yes. Okay. बहुत देर से वेट कर रही हूँ आपका। सॉरी जॉन, वो सेक्रेटरी को कहा था मैंने मुझे टाइम से मीटिंग से उठा दे, उसने लेट कर दिया। इट्स ओके। ये गिफ्ट लाया हूँ तुम्हारे लिए। मेरे लिए? यस। सो स्वीट ऑफ यू। लो, देखो, खोलो। इसकी कोई जरूरत नहीं थी वैसे। थैंक यू। Thank you.
कैसा लगा? अब मर्दाना पहुंच। क्या बदतमीजी है ये? तुम्हें कहा था मिशेल के लिए गिफ्ट लाना है। इट्स ओके, कोई बात नहीं। शट अप। हाँ? सॉरी, वो समझी मिस्टर माइकल के लिए गिफ्ट लाना है। डोंट वरी जॉन, चेंज हो जाएगा। इतना बिजी होता हूँ, हैरान होता हूँ इत्तेफाक से हम मिल कैसे गए। मैं भी चाय लाओ। थैंक यू चाय लो जाओ। कौन कौन से शेयर्स हैं हमारे पास? बाय करने का टाइम नहीं है, सेल कर दो। मार्केट फिर गिर गई, कितना लॉस? ठंडी चाय सर्व कर दी है, गरम लाओ। सॉरी जान, वो मेरे 10 करोड़ डूब गए। खैर, और सुनाओ कैसी हो? मैं सोच रही थी कि जल्दी बको। वो ब्रोकर लाइन पे है। हाँ हाँ, सारा पैसा निकाल लो मार्केट से। जान, मैं सोच रहा था हम कल घर पे मिलते हैं, घर वालों से मुलाकात और शादी की डेट फिक्स करते हैं। जैसा आप कहें। ठीक है ना? हाँ। चलो ठीक है, कल मिलते हैं। हाँ हाँ, एक काम करो, तुम फिक्स कर दो मीटिंग। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। आई लव यू जान। चाय तो लेके आओ। ये तो नहीं पीऊँ, ठंडी हो गई। मैं कह रही थी कि I agree completely with this. तुम कितने अच्छे हो, मेरी बात मुकम्मल होने से पहले उसे एग्री कर लेते हो। एक्चुअली हस्बैंड होने की रिहर्सल कर रहा हूँ मैं। मुंह खोल के नहीं हंसती बेबी। सॉरी। It's okay. अच्छा वैसे मैं जहाँ भी कहीं जाती हूँ लोग मेरे दीवाने हो जाते हैं। Sure. तो तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा जो मुझे तुमने अपनी मंजिल बना लिया? तुम्हारी गाड़ी। मतलब? तुम्हारी गाड़ी में जब तुम्हें पहली दफा देखा। Oh. तुम्हारे घर घर में से जब तुम बाहर आ रही थी तो My God, love at first sight. अच्छा मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। I think this is the right time to talk. कल मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाना चाहती हूँ और मैं तुम्हें अपनी पम्मी से भी मिलवाऊंगी। हाँ ना, और अगर उन्हें भी तुम पसंद आ गए तो हम शादी कर लेंगे। हाँ ना। I love mommy. Are you okay, Nadeem? तुम ठीक तो हो ना? I love mommy already. निम्रा, मैं आ गया। वेलकम बेबी। हाय। हाय। फॉर यू। थैंक यू।
speech. Looking smart. Thanks. My pleasure. अगर तुम पम्मी को पसंद आ गए ना, समझना सबको पसंद आ गए. पम्मी मेरे लिए बहुत अहम है. मेरे लिए मैं बुलाती हूँ. पम्मी, पम्मी कम ऑन. पम्मी लोग माँ को कैसे बुलाते? पम्मी तो सुना था, पम्मी ने तुम और पम्मी बातें करो, मैं भाई को पता करके आती हूँ. ये कुत्ता डिसाइड करेगा कि मैं अमीर हूँ या नहीं. क्या क्या करना पड़ता. Oh my God! Look at her. Look at her. She's already fallen in love with you, baby. I know, right? Mummy. आओ मैं तुम्हें अपने भाई से मिलवाऊं. भाई से मिले? हाँ ना, कम. भाई से मिलेंगे? आ जाओ, mummy. भाई से मिलेंगे. Mummy, come on. आ जाओ भाई. Listen, baby. ऐसे नहीं. कमर सीधी और वहाँ मुंह खोल के नहीं हंसता, please. हाँ, come. Come, meet my brother. Yes, of course. भाई, ये है नदीम. Assalamualaikum. मेरी पसंद. अरे मिस्टर नदीम, Thank you. Wow, so good to see you. Same here, very good to see you too. And actually, much more business. ये है मिशाल, मेरी फियांसे, और ये है निम्रा, मेरी बहन, हमारी प्लास्टिक कंपनी की हेड. प्लीज. थैंक यू. भाईजान, निम्रा कह रही थी कि आपकी अगले हफ्ते बर्थडे है, तो मैं कह रहा था कि अगले हफ्ते ही शादी कर लेते हैं. घटिया आइडिया है ये. नहीं करते, नहीं करेंगे, आगे कर लो. किसने कहा परचेस को सेल करो? मेरा 20 करोड़ का नुकसान हो गया है. वैसे पूरा कोइंसिडेंस, अगले हफ्ते तो मेरी भी बर्थडे है. मैं भी इसी हफ्ते रख लेता फिर अपना बर्थडे. तो भाई हम शादी भी इसी हफ्ते कर लेते हैं ना, सबका बर्थडे भी है. व्हाट अ ग्रेट आइडिया. गुड आइडिया. डन. सारे पैसा मार्केट से निकाल लो. मजाक कर रहा था. डन. कॉन्ग्रेट्स. मुबारक हो. कॉन्ग्रेचुलेशंस. वैसे ना सही कहते हैं, एक और एक. तू बच गई. यार एक और एक 11 तब होते हैं जब एक और एक की शादी हो. गरीबो आ गया. अच्छे आ गया. बुकड़ों की छोटी छोटी खुशी. छोटी छोटी नहीं बेटा, शादी हो जाएगी ना. देखिए मिस्टर नदीम से, नदीम करोड़पति हो जाऊंगा मैं. करोड़पति नहीं, मिस्टर निम्रा. एमी जेलस? वैसे ही निम्रा से जेलस है तू. कितनी खूबसूरत और सेल्फ मेड जो है वो. मैं कोई जेलस वेलस नहीं होती. हाँ, और सेल्फ मेड लगती है वो शक्ल से. अपने का पता है नमूने का. मौलवी ने कहना कबूला, उसने कहना नहीं, सारे शेर बेच दो. देख, मेरे वाले के बारे में ज्यादा बकवास नहीं करनी. अच्छा बकवास नहीं, सच बोल रहा हूँ बेटा. 3 घटिया नंबर ही आएंगे. चाय पकाना. जेलस भुक्कर. तू जेलस गरीबो. तू जेलस. वो खूबसूरत है ना, तू जेलस हो रही उससे. और ये इधर नहीं, इधर आती है. ये इधर थी गरीबो, इधर आती है. इधर थी, ज्यादा बीमारी की जरूरत नहीं है. इधर अंदर जाती नहीं, इधर आती है. ये ले. What the hell? ये क्या बकवास है? गरीबो हार रही थी ना तू? हार रही थी ना तू? ओ खुदा की कसम, अल्लाह की चाय गिर देगी, मैं तेरे फेंक दूंगा, तेरे फेंक दूंगा. अबे चाइना के औकाफ दिखाई नहीं दे रहा? हम कपड़े पहन नहीं रहे कि स्त्री खराब ना हो जो तुम टकरे मार रहे हो. पता नहीं कैसे लोग बुलाए हैं शादी. Thank you.
कपल्स को फोटोशूट के लिए बुलाएं, जल्दी करें, लेट हो रहा है। ओहो, क्या हुआ? आपकी तो एक कलम बड़ी है और एक बहुत ही छोटी है। खुद ही रखी है। वैसे काफी ठंड नहीं हो रही है? हाँ, इस दफा जून जुलाई में कुछ ज्यादा ही ठंड पड़ गई है। आप ये पहने, मैं कपल्स को बुला के लाता हूँ। नॉटी बॉय। बेबी, मेरी तरफ देखो ना। सॉरी। कैसे खड़े हुए हो? कमर सीधी और कांधे ऊपर उठाओ, like a handsome boy ना। ठीक है, just like this। ऐसे नहीं ना, तुम दूल्हे हो ना कि नहीं? Maybe I'm trying। तो smile दो ना मुझे। Okay। वहाँ भी दो smile अच्छी सी। Okay। ऐसे। बात सुने, एक दूसरे को देखें, smile करें, थोड़ा romantic way में smile कर रहे हैं। कर तो रहा हूँ यार। इतना ही आता है मुझे। थोड़ी फीलिंग्स लाएं, स्माइल करें। बेबी, बेबी फील लाओ ना, पहले एक्सप्रेशन तो लाओ। बात क्यों नहीं सुनते तुम मेरी? दूसरे कपल को भेज दें, पहले उनकी ले लो पिक्चर्स तो। हाँ सुनो जान, मैं जा रही। आप आ जाओ। कमर से होल्ड करें। एक मिनट, डील चल रही है। थोड़ा सा रोमांटिक वे में उनको लीन करें। क्या इतना लॉस? Are you okay? He is a hero. बड़ा दिन है आज हमारा, सारे ख्वाब पूरे होने वाले हमारे। बल्कि नहीं, बड़ा दिन नहीं, बड़ी रात है। आज तो मैं करोड़पति बनने वाली हूँ। करोड़पति नहीं, करोड़पत्नी बनने वाली है तू गरीब। जो कुछ चाहा था मिल गया हमें। हाँ, बहुत मेहनत करना पड़ी, मगर हाँ वाकई जो कुछ भी चाहिए था वो सब मिल गया। अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पैसा ही है, और क्या? अच्छी और खुशहाल जिंदगी गुजारने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट। पैसा ही है। हम खुश हैं? और? खुश हैं?
खुश है, इससे ज्यादा और क्या खुश होगी। बहुत खुश है। निकाह खा चुके हैं, निकाह के लिए आ जाइए। चलो चले। सुन प्यार करती हूँ उसकी। निकाह शुरू करते हैं। बिल्कुल जल्दी शुरू करें। हाँ हाँ, नहीं नहीं, तुम अपने होल्ड करो, मैं जरा कबूले कबूले कर लूँ। मौली साहब जरा जल्दी करें, एक प्रॉपर्टी डील चल रही है। इसलिए मैं प्रॉपर्टी वालों की शादियों में नहीं आता। मौली साहब शुरू करें। नदीम वल अदीम, आपको बाइवस हक में 10 करोड़ निर्मा वल सलमान अहमद कबूल है। जवाब दो। मौलवी साहब जरा रिपीट कर देंगे प्लीज। अरे मौलवी साहब रिपीट कर देंगे, हर इम्तिहान भी रिपीट पे पास किया इसने, कर दें जल्दी से। नदीम वल अदीम, आपको बाइवस हक में 10 करोड़ निर्मा वल सलमान अहमद कबूल है। तुम्हें कबूल है? क्या मुझसे क्या पूछ रहे हो? तुमसे पूछ रहे ना, तुम जवाब दो। मुझसे पूछेंगे तो मैं बता दूंगी। मौलवी साहब आप पहले इनसे पूछें। क्यों? ये क्या मजाक हो रहा है? मौलवी साहब उनसे पूछ लें जल्दी से। जी मिशाल वल जलाल, आपको बाइवस हक में 10 करोड़ नवीद वल सलमान कबूल है। मिशाल जल्दी करो, फोन होल्ड पे है। कर लो कबूल। तुम्हें कबूल है? मैंने तुमसे पूछा तुम्हें कबूल है? मैंने तुमसे पूछा तुम्हें कबूल है? मैंने पहले पूछा ना। मैंने कहा तुम्हें कबूल है, मुझे बताओ। मैं तुमसे पूछ रही ना, मुझे बताओ तुम्हें कबूल है कि नहीं। उन्होंने तुमसे पूछा, तुम जवाब दो। तुमसे पहले पूछा था ना, तुम जवाब दो। तुमसे पूछ रहे हैं ना, पहले तुम जवाब दो। जल्दी बोलो ना, टाइम निकलता जा रहा है। क्या कह रहे हो तुम लोग यार, मेरी प्रॉपर्टी डील चल रही है, तुम एक मिनट होल्ड करो। सच तो ये है कि करोड़पति बनकर भी गरीब हो, तुम्हारे बगैर सबसे बड़ा गरीब बनूंगा दुनिया। बात बोलने में इतनी देर को लगा दी, मुझे कबूल नहीं है। मुझे भी कबूल नहीं है। यहाँ क्या मजाक चल रहा है? सिक्योरिटी। और तू तो चुप कर, डीलर तेरे तो कल में ही बराबर नहीं है। I love you, गरीबो। तुमने तो कहा था कि तुमने एंटी लव वैक्सीन लगाई हुई है, हाँ? लव वैक्सीन का एक साइड इफेक्ट तो होता है, जब प्यार होता है ना तो सच्चा होता है।